यस फिफ्थ क्लास, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्मार्ट चार्ट्स। ये आपका टेली मार्क्स से रिलेटेड चैप्टर है। आप फोर्थ क्लास में टेली मार्क्स आई थिंक कर चुके हो। तो चीशी न्योम्योस यामिनी डिड अ प्रोजेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। यामिनी जो होती है एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाती है। शी आस्क्ड ईच चाइल्ड ऑफ हर क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल। वो अपने क्लास के सभी बच्चों से पूछती है कि उनका फेवरेट पेट एनिमल कौन है, तो उसका एक का नाम बताएं। शी यूज टेली मार्क्स, टेली मार्क्स को यूज़ करती है टू रिकॉर्ड ईच आंसर। सबका आंसर टेली मार्क्स से वो रिकॉर्ड कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समन सेड कैट, शी पुट वन लाइन। अगर कोई बोलता है कि मेरा पेट एनिमल जो है फेवरेट वो कैट है, तो वो वन लाइन लगाती है इन फ्रंट ऑफ कैट्स, कैट्स के सामने। वेन समन सेड कैट अगेन, शी एडिड अ लाइन। जब कोई बोलता है कि हमें कैट पसंद है, सेकेंड पर्सन बोलता है, सेकेंड चाइल्ड, तो वो ऐसे करके टू लाइन्स मार्क कर देती है। मीन्स टू कैट्स एंड दिस मीन्स फाइव कैट्स, यानी कि 1, 2, 3, 4 फाइव लाइन्स है तो मीन्स फाइव कैट्स, जितनी लाइन उतनी कैट्स। इन ऑल 24 चिल्ड्रन सेड कैट, 24 बच्चों ने बोला कैट वॉज देयर फेवरेट एनिमल, उनका फेवरेट एनिमल है। हेल्प यामिनी कंप्लीट द टेबल। अब आपने यामिनी की हेल्प करने, कंप्लीट करने के लिए टेबल उनकी जो उन्होंने बनाई है, तो यहाँ उसने एनिमल्स के नेम लिखे हैं। देन टैली मार्क्स, इसको आप टैली मार्क्स बोलते हो, और यहाँ नंबर्स, यहाँ टैली मार्क्स को काउंट करके आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है। तो देखिए, कैट उसने शुरू में ही बता दिया है कि 24 स्टूडेंट्स हैं, तो इसने काउंट कैसे किया 24 को? ये 5, 5, 5, 5, यानी कि 5 4 20, 21, 22, 23 एंड 24। अब आपने ऐसे ही कैट करना है। डॉग कितना हो गया काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 जा 30, 31, 32, मीन्स डॉग्स जो हैं वो 32 स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं। एंड रैबिट्स 10, 5 + 5, 10, काउस 1, 2, 3, 4, 5, 4 जा 20, 21, 22, ओके। नाउ पैरेट 5, 6, 7, 8 एंड गोट्स 1, 2, 3, 4, 4, 5 है ना, तो 5, 4 जा 20 एंड स्क्वायर 1, 2, 3, 3, 5 है तो 3, 5 जा 15 या 5, 3 जा 15, जैसे भी आपने लिखना है। तो अब उसके बाद इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा टैली मार्क्स टेबल बनाने के बाद। लुक एट द टैली मार्क एंड राइट द नंबर ऑफ फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। अब ये नंबर हमने लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन इसने बोला है। सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही उसने सेकेंड क्या पूछा है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू। यामिनी ने कितने बच्चों से बात की है, तो आप यहाँ लिखोगे यामिनी टॉक्ड, ई डी आएगा इसके साथ, टू 131 चिल्ड्रन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों से उसने उसका पैटर्न एनिमल पूछा है। तो यहाँ पे टॉक्ड आएगा क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया डिड है, तो आपने डिड को हटा के वर्ब की फॉर्म के साथ ए डी लगा देना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। इसने टेबल में सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है जिसको ज़्यादा बच्चों ने लाइक किया है, इट मीन्स 32 के आगे कौन सा एनिमल आया, डॉग्स। तो आप लिखोगे डॉग इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। थर्ड क्वेश्चन इज विच पेट विल यू लाइक टू हैव, आपको कौन सा पेट पसंद है जो आप रखना पसंद करते हो। व्हाट विल यू नेम इट, आप उसका क्या नाम रखोगे। विच अदर एनिमल्स कैन बी कैप्ट एट होम, और घर में और कौन से पेट एनिमल हैं जो आप रख सकते हो। एंड डिस्कस, इसको आपने डिस्कस करना, ये क्वेश्चन थर्ड जो है बच्चे अपने आप करेंगे, क्योंकि इसमें हर किसी के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। पेज नंबर 160, मेकिंग टैली मार्क्स ऑन द रोड। अब देखिए टैली मार्क्स जो है रोड पर बनाई गई है। सुमिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर। सुमिता जो है वो रोड पर खड़ी हुई है हाफ एन आवर पहले से, इतना लंबा टाइम वो खड़ी रही। एंड काउंटिंग काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय, और जो वो अकेले जैसे खड़ी है और उसका टाइम पास नहीं हो रहा, तो टाइम पास करने के लिए वो क्या करती है, वहाँ से जो जो व्हीकल्स जाते हैं जो तो वो उनको काउंट करना शुरू कर देती है। शी मेड अ टैली मार्क फॉर ईच व्हीकल, तो वो क्या करती है उसके लिए एक टैली मार्क लिखना शुरू कर देती है। वो नंबर नहीं लिखते, काउंटिंग नहीं लिखते, टैली मार्क लिखती है से वो काउंट करती है उनको। दिस हेल्प हर टू इन काउंटिंग क्विकली द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच ग्रुप। इससे क्या होता है, टैली मार्क से उसकी जो काउंटिंग होती है वो फास्ट हो जाती है, जल्दी से वो काउंट कर सकती है।
तो अब उसने ये टैली मार्क टेबल बनाई है। तो साइकिल ऐसे उसने बनाई इतने टैली मार्क, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा एंड ट्रक, जो व्हीकल्स उसने वहाँ देखे जब तक वो वहाँ रही। तो आपने इनको नंबर इसके लिखने हैं काउंट करके। तो कैसे काउंट करेंगे, जैसे हमने अभी पेज नंबर 159 पर काउंट किया था, 1 2 3 4 5, तो 5 5 25 27 28 10 11 12 5 5 5 5 3 15 16 17 18, ये आ गया। तो 5 5 5 15 हमने यहाँ लिख दिया। ये भी अब रेड वाला आप अभी मत देखिएगा। तो 5 5 5 5 4 टाइम 5 5 4 20 एंड 4 24 5 एंड 1 लाइन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टेलीमार्क टेबल से हमने जो पूछे गए हैं वो ये हैं, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल, जो कि हम लिख चुके हैं, ये वाले नंबर हमने लिखने थे। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। अब आप उसने कितने टोटल व्हीकल देखे, आपने इन सबको ऐड करना है। तो आपका आएगा 103। तो आप लिखोगे सुमिता सॉ 103 व्हीकल्स ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। देन ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक, ट्रू और फॉल्स। अब ये क्या बोलता है कि जो ऑटो रिक्शा है वो ट्रक से 3 गुना है, थ्राइस होता है 3, ठीक है, 3 गुना जिसको बोलते हैं। अब देखिए पहले आप ट्रक देखिए आपके पास कितने हैं, 6 ट्रक हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18। तो क्या ऑटो रिक्शा 18 है, बिल्कुल 18 है। तो 18 आपकी ऑटो रिक्शा है, तो अगर 3 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 18 आता है, मीन्स दोनों इक्वल रहेंगे, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है मेक टेलीमार्क फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। जो आपकी टेलीमार्क टेबल है उसमें आपने जहाँ पे बसेस हैं वहाँ पे 7 ऐड करना है, टेलीमार्क ऐड करना है, और 2 मोर ट्रक यानी कि ट्रक में आपने 2 और टेलीमार्क ऐड करने हैं। अब आपका ये रेड पेन से जो मैंने किया हुआ है देखना है आपने, 5 6 7 मैंने यहाँ पे 7 ऐड कर दिया। अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ आपकी नई टेलीमार्क टेबल में क्या आएगा, आपने 2 टेबल बनानी है, एक तो यही वाली है, दूसरी में आपने ये 7 ऐड करने के बाद, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 22, और आपने ट्रक में 1 2 ऐड करनी, मीन्स 6 प्लस 2 8, ठीक है, फिर आपका ये टोटल नंबर भी चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग हैंड्स इन द ईवीएस पीरियड द टीचर आस्क चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। ईवीएस के पीरियड में टीचर ने बोला कि क्या वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर के काम में। देयर वर डिफरेंट आंसर, बच्चों के अलग अलग आंसर थे। चिल्ड्रन नेम्ड द वर्क इन विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट। बच्चों ने वो काम भी लिखे कि जिसमें वो अपने पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। द टीचर कलेक्टेड देयर आंसर एंड मेड अ टेबल। टीचर ने उनके आंसर कलेक्ट किए और एक टेबल बनाई, और ये टेबल आपके नीचे गिवन है। तो हेल्पिंग मोस्ट इन हाउस वर्क, घर के कामों में हेल्प करते हैं, कौन से घर के काम है वो, और यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाने में कौन बच्चा हेल्प करता है, 47। कितने बच्चे हेल्प करते हैं, 47। वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तन धोने में 15 चिल्ड्रन भी आप बोल सकते हो। वॉशिंग क्लॉथ्स 3। मेकिंग सर्विंग फूड यानी कि फूड को बनाने और सर्व करने में 25। क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करने में 10। नाउ टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स। अब टोटल इनका टोटल करोगे आपका 100 आएगा। इनके 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर के काम में। अब इसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल। इसको बोलते हैं चपाती चार्ट, और बड़ी क्लासेस में इसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो इन नंबर को लेके जो हमने अभी देखे थे, इसको लेके हमने एक पाई चार्ट बनाया है। तो अब देखिए इसमें क्या किया है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो मार्केट जाने में हेल्प करते हैं, 47 है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है यहाँ आपने लिखना है गोइंग टू द मार्केट 47। ये आपने सिर्फ फिल करना है, ये आपको बना हुआ मिलेगा। उसके बाद उससे कम, उसे इससे थोड़ा छोटा है ये, यानी कि यहाँ 25 आएगा, इससे भी थोड़ा छोटा है 15, उससे थोड़ा छोटा है 10, एंड उससे थोड़ा छोटा है 3, सबसे जो छोटा है। तो यहाँ पे मैंने उनकी एक्टिविटी भी लिखी है कि किस वर्क में वो हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स के, और नंबर भी लिख दिए। तो आपने इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद है लुक एंड फाइंड आउट। अब यही चार्ट आपने देखना है और इसको लिखना है चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आ, जो बच्चे खाना बनाने में और सर्व करने में हेल्प करते हैं।
इनमें से तीन में से एक आंसर करेक्ट है। अब लिखिए 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन आपके 100 है, 100 का 1/3 आपका 33.3 होगा, तो ये गलत है। हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, अब टोटल चिल्ड्रन 100 है तो क्या 50 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की खाना बनाने और सर्व करने में हेल्प करते हैं? नहीं, वो तो 25 है। तो 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, बिल्कुल 1/4 आएगा, क्योंकि 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 25 आपका आता है, तो ये आपका आंसर है, तो आपने इसको ठीक करना है। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल, ये आपकी एक्टिविटी है, आप कर लीजिएगा। पेज नंबर 164, रागनी लव्स टू वॉच कार्टून ऑन टेलीविजन, रागनी जो है उसको अच्छा लगता है टेलीविजन पे कार्टून देखना। वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स, एक बार क्या हुआ जैसे ब्रेक आ जाता है बीच में, तो उसने जो एड्स है वो काउंट करना शुरू कर दिए, कितने एड बीच में आई हैं। शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टीजमेंट, तो उसने देखा कि जब भी ब्रेक होता है तो 14 एडवर्टीजमेंट बीच में आती हैं। इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर, उसमें 10 जो एड ऐसी होती हैं जिसमें छोटे बच्चे हैं वो एक्ट करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, Why do you think that children are used in so many ads? ज़्यादा ads में बच्चों को क्यों use किया जाता है? तो यहाँ आंसर आप लिखोगे because cartoon are mostly watched by children, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा cartoon अच्छे लगते हैं और वो उन्हें सबसे ज़्यादा देखते हैं। Use telemark to count the number of ads during a short break in a program. तो यहाँ पे आपने जब भी आप कोई program देखते हैं उसमें जी कितनी ऐड आई हैं, तो आपने उसका एक टेलीमार्क टेबल बनाना है, ये आपका एज अ एक्टिविटी है। तो यहाँ पे वर देयर एड ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम, क्या न्यूज़ प्रोग्राम के बीच में ऐड आते हैं? बिल्कुल नहीं आती हैं। तो ट्राई योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक, यूज़ टेलीमार्क, आप जब भी कोई प्रोग्राम देखते हैं उसके बीच में कितनी एड्स आती हैं, तो आपने टेलीमार्क टेबल से उसको काउंट करना है। पुट अ डॉट बिलो द टेली व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टीजमेंट, और अगर उसमें बच्चे हैं तो आपने क्या करना, टेलीमार्क के नीचे एक डॉट लगा देना है, मीन्स आपको ये पता रहेगा कि ये बच्चों की एड थी इसमें। तो कंपेयर विद योर फ्रेंड्स डू यू गेट द डिफरेंट आंसर, आपने इसको अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है, क्या आपने और उन्होंने जो देखा है उसके बीच में कुछ डिफरेंस है, ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। पेज नंबर 165, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा, हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर, क्या आपने मौसम की जो जानकारी कभी देखी है टीवी पर या न्यूज़पेपर पर? दीज आर टू बार चार्ट, यहाँ पे आपको दो बार चार्ट दिए गए हैं, इसको बार चार्ट बोलते हैं और बार ग्राफ भी बोलते हैं। दीज शो द हाइएस्ट टेम्परेचर इन डिग्रीज, इसमें जो सबसे ऊंचा होगा वो हाइएस्ट है, जो सबसे नीचा होगा उस वो लोएस्ट है, ऐसे जो सबसे कम है वो नीचे बार बना होगा और जो सबसे ऊंचा पिलर बना होगा तो वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या बोला गया है, इन फोर सिटीज़, चार सिटीज़ का टेम्परेचर है यहाँ पे ऑन टू डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में है। तो द सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर, इसमें चार सिटीज़ दी गई हैं, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, यहाँ भी दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। तो यहाँ पे दो मंथ्स के जो है आपको टेम्परेचर गिवन है, फर्स्ट जून जो कि बहुत गर्म होता है एंड फर्स्ट दिसंबर जो कि बहुत ठंडा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछे गए यहाँ पे, आपने इनको देख के, ये बार ग्राफ है, इनको देख के आपने आंसर देने हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन फर्स्ट जून, अब इसमें फर्स्ट जून वाला आपने चार्ट देखना है और उसमें बताना है सबसे गर्म, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट मीन्स वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर कम होगा इट मीन्स वहाँ पर थोड़ा मौसम ठीक होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जैसलमेर में देखिए, इसका पिलर सबसे ऊंचा है और 38 सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, जैसलमेर सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन फर्स्ट जून। सेकंड क्वेश्चन इज विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन फर्स्ट दिसंबर, सबसे ठंडी सिटी कौन सी है जिसका बार छोटा होगा, जिसका ग्राफ छोटा बना होगा, पिलर छोटा होगा। तो यहाँ पे शिमला है, शिमला का सबसे छोटा और 10 है, काउंटिंग में भी अगर आप देखो तो 10 छोटा है और वैसे अगर आप बिना काउंट किए भी देखो तो इसका पिलर जो है ये छोटा है, तो आप लिखोगे शिमला सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन फर्स्ट दिसंबर। विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द टू डेज, दो दिनों में
कौन सी सिटी है जिसमें बस थोड़ा सा ही चेंज आया टेम्परेचर में 1 जून एंड 1 दिसंबर? तो देखिए दिल्ली में 33 से 23 यानी कि 10 का डिफरेंस है, शिमला में 22 एंड 10 यानी कि 12 का डिफरेंस है, बेंगलोर में 28 24 यानी कि 4 का डिफरेंस है, और आपका जैसलमेर का 38 एंड 25 मीन्स आपका 13 का डिफरेंस है। तो सबसे कम डिफरेंस किस में है? बेंगलोर। ठीक है, तो आप लिखोगे बेंगलोर सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर। ट्राई योर सेल्फ, ये आपकी एक्टिविटी है। ऑन एनी वन डे चूज एनी 3 सिटीज एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। आपने 3 सिटीज को चूज करना है, किसी भी सिटी को, और उसका एक दिन का टेम्परेचर देखना है, चाहे आप टीवी में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए। फिर आपने क्या करना है, मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक, आपने बार चार्ट उसका बनाना है। आस्क योर फ्रेंड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट, जैसे अभी ये बार चार्ट को देख के हमने यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे, तो हमने भी अपने फ्रेंड से ऐसे ही क्वेश्चन पूछने। ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट है, अर्लियर देयर वर नो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत पहले जो है शुरू में ऑस्ट्रेलिया में कोई रैबिट नहीं था। रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1718, 1780 के करीब ईयर में ऑस्ट्रेलिया में कहीं बाहर से रैबिट लेके आए गए। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जो रैबिट्स को खाता होता, तो इट मीन्स रैबिट्स सेफ थे उस टाइम में। सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट, मल्टीप्लाई मीन्स उनकी जो है काउंटिंग जो बढ़ने लगी, क्योंकि उनको कोई खाता नहीं था, तो ऐसे वो बड़ी अच्छी रेट पे जो है बढ़ने लगे। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स, अब आप इमेजिन करो कि जो वो क्रॉप्स को कितना नुकसान करते होंगे, कितना नुकसान पहुंचाते होंगे जी रैबिट्स, जो नंबर ऑफ रैबिट्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे आपको टेबल बना के दी गई है, द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रो एवरी ईयर, कैसे वो हर साल में कैसे बढ़ते थे। तो टाइम स्टार्ट, नंबर ऑफ रैबिट्स, जब शुरू हुआ तो 10 रैबिट्स थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 6 ईयर्स का यहाँ पे गिवन है आपको। देखिए पहले 10 था, फिर 18, 32, 58, 108, अब यहाँ ये 2 ब्लैंक गिवन थे आपके, तो कैसे आया। अब मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से आपने ऑब्जर्व करना, मैंने भी किया है कि जैसे 10 का डबल मैंने किया 20 में से 2 माइनस किया 18, अब 18 का डबल हो गया 18 2 जा 36, अब ये 2 4 6 इसमें मैं 2 का टेबल करती रहूँगी माइनस, इसमें से डिक्रीज 36 माइनस 4 32, अब 32 का डबल करना है हमने 64, अब इसमें से 6 माइनस करना है 58 का डबल होता है 116, देन 8 माइनस करना है 108, अब 108 का डबल जो होता है वो 216 होता है, उसमें से मैंने 10 को माइनस किया तो मेरा ये आंसर आ गया 206। अब हमने क्या करना है, 206 का डबल करना है 412, और उसमें से मैंने 12 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 2 का टेबल चल रहा है, इसको माइनस करना है, तो 12 माइनस किया मेरा आंसर आया 400। अब इसमें क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं तो उसके आंसर हमने ऐसे देने हैं, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, और 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, कैसे वो बढ़ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर, अब आपने देखा ना मैंने डबल किया और उसमें से थोड़ा थोड़ा माइनस करते गए, तो आपका आंसर ये है फर्स्ट। सेकेंड, एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, अब 6 ईयर का हमने फाइंड आउट किया तो हमारा कितना आया था 400। लास्ट क्वेश्चन इसका है, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, कौन से साल में जो है वो 1000 तक क्रॉस कर जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, 1788 ईयर, ठीक है, द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000 इन द ईयर 1788। तो आप इसको डबल करके और उसमें से माइनस करते जाइएगा तो आपको पता चल, जैसे 400 है ना, 400 का डबल हो गया 800 माइनस 14 करना है आपने, फिर आपका जो आंसर आएगा उसका डबल करके उसमें से माइनस करना है। तो इट मीन्स देखिए 1780 और 6 ईयर हो गए, 1786 हो गया ना, तो फिर इसके बाद जो आपका आएगा आंसर वो 1000 क्रॉस कर जाएगा, तो आपका 78, ठीक है, तो 1788 ईयर में आपका क्रॉस कर जाएगा 1000 को।